ऐसे बात करो कि लोग कर सकता है
और भी आ सकता है ऊपर थोड़ा बहुत भाई। सिग्नेचर पीछे नया फील्ड है तो अभी हादसे भी हो सकते हैं। तीन लोग आप बाइक पे बैठे हो बिना हेलमेट बैठे हुए हो तो क्या कुछ आप सोच के यहाँ पर आए हैं भाई? भाई सोच कहाँ है कि ब्रिज देखना है। अच्छा ब्रिज देखना है, भारत तरक्की कर रहा है, ये देखना है। अब रास्ते पुलिस वाले रोक लेंगे, पीछे से उतर जाएगा, दो बैठ के चले जाएंगे घर तक। तो बिना हेलमेट चले जाओगे कहाँ तक जाना है आपको? लोनी। चलोनी तक कैसे जाओगे? भगवान ना करे कोई चोट लग जाए, कुछ हो जाए तो उसमें जिम्मेदारी पुलिस की होगी आपकी अपनी होगी? हमारी होगी भाई साहब। तो सेल्फी लेने आए थे आप? हाँ जी। लिए सेल्फी, मजा आया? कर रहे हैं ये लोग, बहुत गलत है। कब तक लगा के रखनी चाहिए सेल्फी खींचने के लिए यहाँ पर बंदोबस्त? सर जब तक है जहाँ पे पब्लिक आ रही है तब तक तो ऐसा होना चाहिए। महीना दो महीने साल दो साल ये जब भी है, जब तक भी मतलब अभी ये टूरिस्ट स्पॉट सही है। अगर हमारे दिल्ली के लिए देखा जाए तो टूरिस्ट स्पॉट की तरह ही है। अगर यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा अगर सेफ्टी की जाए तो अच्छा है, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ सेफ्टी नहीं है। जिस तरह से ये लोग पिलर के ऊपर चढ़ चढ़ के कर रहे हैं, लोग वहाँ सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, बहुत गलत है। तो आपका कहना है कि दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर सेल्फी बंदोबस्त करे? जी बिल्कुल, इसका होना चाहिए। ट्रैफिक वाले हों या दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो, लेकिन ऐसा कुछ इंतजाम होना चाहिए ताकि हमारे को कुछ यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह कुछ फेस ना करना पड़े। वंदना। हाँ वंदना, आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं? जी सर अलीगढ़ से आए हैं हम, यहीं पे रहते हैं। वैसे मायका है यहाँ पे हमारा, तो भाई दूज पे आए थे घर पर। अच्छा, तो आप ये इधर से जा रहे थे या सिग्नेचर पीस देखने आए हैं? सर नहीं, देखने आए हैं हम इसको। अभी फिलहाल कहाँ से आए हैं यहाँ पे? ब्राइडी से। तो जिस तरीके से सड़क पर एक साइड में जाम लगा हुआ है, आप लोग सेल्फी ले रहे हैं, कोई बेकाबू वहां आकर के चोट मार दे, क्या उसकी चिंता नहीं है आप लोगों को किसी को? इस तरीके से नहीं, एक्चुअली ये ब्रिज नया बना था, इसको देखने का काफी क्रेज था, इस वजह से इसको देखने आए हैं यहाँ पर। मतलब देखने का क्रेज है, जान चाहे भली चली जाए। मान ललित, क्या आप कर रहे थे यहाँ पर अभी? अभी ऊपर चढ़ रहा था। तो मजा आ रहा है चढ़ने में? यस। तो कितने बार ऊपर चढ़ते हो दिन में ऐसे? अभी तो मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, तो अभी मन है ऊपर चढ़ने का, इस तरीके से बार बार स्टंट करने का नहीं है क्या? मन करता है सिग्नेचर ब्रिज को ऊपर से छूने का आपका? इतनी ऊपर चढ़ते हैं, इतना कितना ऊपर जा सकते हैं? ये जितना ये चीजें ना इतना ही जा सकते हैं। कोशिश की जाए तो और भी ऊपर चढ़ सकते हो। तो क्या आपको इस तरह डर नहीं लगता कि आप ऐसे चढ़ रहे हैं फिसल जाए, चोट लग जाएगी? तो चिंता नहीं है आपको अपने चोट लगने की? है। तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपना नाम बताइए। मेरा नाम आजाद है। आजाद, कहाँ से आप आए हैं? सर मैं कबीरनगर से आऊँ। अच्छा, दरा से। तो क्या सिर्फ सिग्नेचर ब्रिज देखना है या यहाँ? हाँ जी, मैं सिग्नेचर ब्रिज ही देखना है। तो अभी आप लोग सेल्फी ले रहे हैं यहाँ पर, क्या कुछ आपको लगता नहीं कि कोई वाहन आए चोट मार जाए? या जैसे भी नया ये बना है पर कई हजार करोड़ की लागत से बनाया है, इसको गंदा करने में लोग लगे हुए, कितना आप जायज मानते हैं? देखो यार, ये तो दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको गंदा ना होने दे। यहाँ पे जैसे नया ब्रिज बनाया है तो इस पर गंदगी भी बहुत है। देखो तो लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? लोगों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन लोग क्या है कि यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं ज्यादा, लोग सब समझदार भी नहीं है कुछ, और यहाँ डस्टबिन भी नहीं लगे हुए हैं। तो सेल्फी भी आप ले रहे हैं यहाँ पर खड़े होकर के? तो हाँ, लोग सेल्फी लेते हैं, कोई चोट मार जाए, टक्कर मार जाए? हाँ, ये डर है इसका, डर है इसका। अभी आपने कहा कि टूरिस्ट स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट को गंदा करना ही कुछ सैलानियों की जिम्मेदारी होती है या उनका बस साफ करने की जिम्मेदारी होती है? सर देखो, ये तो सैलानियों की भी जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है। सारी जिम्मेदारी सरकार तो ले नहीं सकती, सैलानियों की जिम्मेदारी, सैलानियों की भी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, अपनी सुरक्षा भी, अपनी सुरक्षा भी खुद की जिम्मेदारी है। तो इस तरह से फिर आप अभी ये नया ब्रिज बनाया है, इस पर दिल्ली सरकार बैरिकेडिंग भी करेगी, और पहले तो यहाँ पे खुद सैलानियों की जिम्मेदारी है कि वो खुद अपनी स्वयं रक्षा करें। तो अभी तो पूरी तरह चालू भी नहीं हुआ है, बोलिए मार्च में चालू होगा? अभी पूरी तरह चालू है। हाँ शादाब, अभी आप बता रहे थे कि यहाँ पर लोगों की खुद नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अभी नया बना है तो लोगों में उत्साह ज्यादा है इसे देखने के लिए, तो इसलिए लोग बाग आ रहे हैं दूर दूर से देखने के लिए। ये जरूर है गंदगी फैला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपनी खुद की जिम्मेदारी की चोट ना लगे? नहीं, खुद की जिम्मेदारी तो बनती है अपनी जान की रक्षा करने के लिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो अपना खुद करनी चाहिए बंदे को। लेकिन नया नया बनाया तो इसलिए पब्लिक को ज्यादा उत्साह हो रहा है, और कुछ नहीं है। थोड़े थोड़े दिन धीरे धीरे जब पूरा तैयार हो जाएगा, जब सरकार इंतजाम करेगी इसके लिए, अभी तो फिलहाल। अगर किसी को चोट लगे तो जिम्मेदारी किसकी है भाई? अपनी जिम्मेदारी है, पर खुद ध्यान से रहे ना,
सरकार की तो जिम्मेदारी है लेकिन बंदे की खुद की भी तो जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी है नहीं, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। आप अपने साइड से सेल्फी लो, हिसाब से लो, हर जगह सरकार थोड़ी चलेगी। तुम्हारे जरूरी है लो या ना लो, वो तो बंदे के ऊपर खुद डिपेंड करता है ना।